27 जून 1976 इसराइल के तेल अवीव से एक एयरबस A300 हवाई जहाज फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए अपनी उड़ान भरता है। एथेन पर यह जहाज फ्यूल के लिए रुकता है और जैसे ही फिर से उड़ान भरता है करीब 5 मिनट के बाद चार लोग अचानक अपने हाथ में बंदूक ताने हुए खड़े हो जाते हैं। उन चारों में एक लड़की हाथ में ग्रेनेड लेकर लोगों को यह कहकर धमकाती है कि अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार की होशियारी की तो इस हैंड ग्रेनेड को फेंक दिया जाएगा और पूरा हवाई जहाज उड़ जाएगा और तुम लोग सब मारे जाओगे। लोगों को ये समझने में देर नहीं लगती कि इस प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। इन चार आतंकवादियों में से 2 जर्मनी के होते हैं और 2 फिलिस्तीन से होते हैं। ये घटना उस समय की है जब हमारी सिक्योरिटी सिस्टम इतने एडवांस नहीं थे। उन चारों में से एक आतंकवादी पायलट के पास जाता है और को पायलट की सीट पर बैठकर पायलट को डायरेक्शन देने लगता है। जिस प्लेन को पेरिस जाना होता है उसका रूट डाइवर्ट करके युगांडा कर दिया जाता है और ये हवाई जहाज युगांडा के एंटेबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है। इस सारे प्लान को वहाँ का तानाशाह ईदी आमीन फुल सपोर्ट कर रहा था, जो कि एक खूंखार बेरहम आदमी था और कहा जाता है कि ये इंसानी मांस को अपने फ्रिज में रखकर पकाकर खाता था। और इन लोगों ने युगांडा इसलिए चुना कि अगर इसराइल कोई कमांडो ऑपरेशन सोचता भी है तो उसे 4000 किलोमीटर आना पड़ेगा और 4000 किलोमीटर ही वापस लौटकर जाना पड़ेगा, मतलब कि टोटली इम्पॉसिबल। इतने में ये कमांडो तो थककर चूर हो जाएंगे और हम इन्हें आसानी से मार गिराएंगे। इसमें करीब 248 पैसेंजर होते हैं जिनमें कुछ इसराइली और कुछ अन्य देश के होते हैं। इसराइली बंधकों को अन्य देश के बंधकों से अलग करके दूसरे कमरे में रख दिया जाता है। अब आतंकवादी इसराइली गवर्नमेंट से शर्त रखते हैं कि हमारे भाई जो इसराइल की जेल और अन्य देशों की जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाए और $5 मिलियन की डिमांड करते हैं और साथ में ये कहते हुए धमकी देते हैं कि तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर 1 जुलाई 1976 की सुबह 6 बजे तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम एक एक करके सारे बंधकों को कत्ल कर देंगे। अब चूंकि आतंकवादियों की शर्त थी इसराइल के बंधकों के साथ अन्य देशों में कैद लोगों को रिहा करवाने की, इसी बीच इसराइल मौके का फायदा उठा लेता है और उनसे कहता है कि ठीक है, हम अन्य देशों के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त लगेगा। आतंकवादी उनकी बात मान लेते हैं और उन्हें 3 दिन का और मौका देते हैं और कहते हैं कि अगर 4 जुलाई 2:00 PM तक हमारी डिमांड नहीं पूरी गई तो हम इन बंधकों को मार देंगे। इधर आतंकवादी इजरायली बंधकों को एक कमरे में बंद कर देते हैं लेकिन अन्य देश के बंधकों को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि कहीं अन्य देश के लोग अपना अपना कमांडो ऑपरेशन ना चला दे और यहीं पर आतंकवादियों से भूल हो जाती है क्योंकि इन बंदूकों से अपने बंदी होने की सारी इंफॉर्मेशन इसराइल की इंटेलिजेंस मोसाद पता कर लेती है और वो बंदूकों की लोकेशन को भी पता कर लेती है जहां पर इन आतंकवादियों ने उन्हें रखा हुआ था। मोसाद के लिए ये जानकारी काफी थी। इसके साथ ही उन्हें ये पता चलता है कि एंटेबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसराइल की ही किसी कंपनी द्वारा बनाया गया है। उस कंपनी के इंजीनियर को ढूंढ कर निकाला गया और एयरपोर्ट का पूरा नक्शा कमांडो के द्वारा ले लिया जाता है। मोसाद ने युगांडा के नजदीक केनिया के साथ बातचीत की। केनिया इसराइल को अपने जहाज को लैंड करने की इजाजत दे देता है। इसराइल के 5 जहाज केनिया पर लैंड करते हैं। अब चैलेंज ये था कि युगांडा के एंटेबी कैसे पहुंचा जाए क्योंकि अगर वहां से जहाज युगांडा के लिए उड़ान भरते हैं तो युगांडा के रेडार में आ जाएंगे। इसके लिए कमांडो लाल सागर का रास्ता चुनते हैं और केवल 100 फीट की ऊंचाई पर उन जहाजों को उड़ाया जाता है ताकि उनके जहाजों को रेडार से बचाया जा सके। उस बीच युगांडा का तानाशाह ईदी आमीन एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए मॉरिशस गया हुआ था और मोसाद इस चीज का फायदा उठाता है और मोसाद को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ईदी आमीन ब्लैक मर्सिडीज का शौकीन है और उसके साथ चलने वाले लोग लैंड रोवर कार में चलते हैं। जब भी ईदी आमीन ब्लैक मर्सिडीज में चलता है और साथ में लैंड रोवर का काफिला चलता है तो लोग समझ लेते हैं कि उनका राष्ट्रपति ईदी आमीन जा रहा है और उनको कोई भी नहीं रोकता है। मोसाद ने इसी तरह की प्लानिंग करके जहाज में मर्सिडीज और लैंड रोवर कार को रख लिया ताकि आर्मी को चकमा दे सके। सबसे आगे इसी जहाज को रखा जाता है और जहाजों को रात को ही एंटेबी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है। जहाज को खोलकर ब्लैक मर्सिडीज कार और साथ में लैंड रोवर कार जिसमें कमांडो हथियारों से लैस होते हैं निकाला जाता है और ये पूरा काफिला उस टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं जहां पर बंधक मौजूद होते हैं। लेकिन मोसाद यहीं पर भूल कर बैठता है क्योंकि 3 दिन पहले ही ईदी आमीन ने ब्लैक मर्सिडीज को हटाकर
व्हाइट मर्सिडीज खरीदी थी और ये बात वहाँ पर मौजूद एक गार्ड को पता थी और उसने कमांडो की गाड़ी को रुकने का इशारा दिया, लेकिन कमांडो अपनी कार को नहीं रोकते हैं क्योंकि गार्ड समझ गया था कि इस कार में इदी अमीन नहीं है। वो अपनी बंदूक AK-47 से गोली दाग देता है। अब चूंकि कमांडो की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए और इसीलिए उनकी सारी बंदूकों में साइलेंसर लगा हुआ था, लेकिन जब इस गार्ड ने गोली चलाई तो इन्होंने उस गार्ड को मार दिया। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि उस गार्ड की बंदूक ने शोर मचा दिया और वहाँ की आर्मी को पता चल गया कि कुछ अटैक हुआ है। और मजे की बात ये होती है कि इसराइल के सारे कमांडो ने युगांडा के आर्मी की ही वर्दी पहनी हुई थी और कमांडो ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर देते हैं और वो बंदूकों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बंदक उनकी वर्दी की वजह से उन्हें समझ नहीं पाते हैं। इस पर कमांडो हिब्रू लैंग्वेज में उन्हें जमीन पर लेटने को बोलते हैं और आतंकवादियों को मार देते हैं और बंदूकों को छुड़ा लिया जाता है। जब ये लोग वापस जाने ही वाले होते हैं तभी उन्हें एंटीबी एयरपोर्ट पर 9 मिग फाइटर प्लेन खड़े हुए दिखाई देते हैं। कमांडो उन फाइटर प्लेन को तबाह कर देते हैं और मात्र 56 मिनट में ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। पर इसी बीच इस ऑपरेशन को लीड करने वाले योनातन नेतन्याहू को गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। ये योनातन नेतन्याहू वो शख्स है जिनके छोटे भाई आज इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये था इसराइल के मोसाद का सबसे बड़ा कमांडो ऑपरेशन। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।